बागेश्वर पहुंचे बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उन्हें समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर बॉबी पवार के समर्थकों का कहना है कि वो केवल बाबा बागनाथ के दर्शन के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 5 सितंबर को बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों इस सीट को जीतने के लिए तैयारियों में जुटी हैं। तो वहीं अब बागेश्वर से बेरोजगार संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी होने के चलते प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार की गिरफ्तारी होने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा है कि सरकार ने तानाशाही की हदें पार कर दी हैं। सरकार बताएं कि आखिर किस अपराध के तहत बॉबी पवार को गिरफ्तार किया गया। भगवान बागनाथ के परिसर से बिना दर्शन किए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को गिरफ्तार करना सरकार की तानाशाही को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस वक्त पुलिसकर्मी बॉबी पवार को गिरफ्तार कर रहे थे, उस वक्त वहां बजरंग दल के नेता भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बागेश्वर में अपनी हार को देखते हुए बौखला और घबरा कर इस तरह के कदम उठा रही है। आज बागेश्वर पुलिस के द्वारा तानाशाही दिखाते हुए और दमनकारी नीति अपनाते हुए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष श्री बॉबी पवार को बागेश्वर स्थित भगवान बागनाथ जी के मंदिर परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। आनन फानन में किया गया ये कृत्य भाजपा की कौतूहल, भाजपा की घबराहट को दर्शाता है। धामी सरकार बताए कि आखिर बॉबी पवार का अपराध क्या था कि बिना नोटिस के, बिना समन के इस तरह से उनको उठा लिया गया है। आखिर क्या ऐसा कृत्य किया है बॉबी पवार ने, ये तो बताना पड़ेगा। और एक बात और है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख निकट आ रही है, वोटिंग की तारीख निकट आ रही है, वैसे वैसे धामी सरकार की बौखलाहट भी साफ दिखाई पड़ रही है। जिस दिन से आईजी बागेश्वर पहुंचे हैं, पुलिस का जो रुख है, जो रवैया है, पूरी तरह से उसने यू टर्न ले लिया है। अगर कहीं पर कांग्रेस के भी 5 कार्यकर्ता इकट्ठा हो जा रहे हैं तो उनको लाठियों से भाजा जा रहा है और तितर पितर किया जा रहा है। एसटीएफ ने जब गिरफ्तार किया है बॉबी पवार को, तो वहां बजरंग दल के लोग तक एसटीएफ के साथ देखे गए। ऐसा क्यों कि एक दल विशेष के लोग भी गिरफ्तारी के समय पर वहां मौजूद थे? आखिर किसके इशारे पर, किसके संरक्षण से ये, या किसका फैसला था बॉबी पवार को गिरफ्तार करना, ये तो धामी सरकार को बताना होगा। और बागेश्वर की जनता को ये समझना होगा कि अब पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है धामी की पुलिस। वही बॉबी पवार की गिरफ्तारी के 2 घंटे बाद पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कौंडे ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि बॉबी पवार के खिलाफ देहरादून में एक मुकदमा दर्ज है। इस मामले में वो बेल पर है। बेल में न्यायालय के निर्देश हैं कि वो देहरादून में ही खास जगह में रह कर की संगठन के काम कर सकते हैं, दूसरे स्थानों पर नहीं। जो कार्रवाई की गई है उसमें वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुछ घोषणाबाजी या कुछ वही जो जमाव लेके मंदिर जाना वगैरह इस तरीके की एक्टिविटी में थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये मैं कहना चाहूँगा कि इन पे पूर्व में भी देहरादून में मुकदमे हैं, और उन मुकदमों में जब उनको कोर्ट से बेल मिली है, उस बेल की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि इस तरीके की एक्टिविटी जो भी है, जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, वो देहरादून में ही एक लिमिटेड एरिया में ही उनको करने की परमिशन है, कहीं इतरत करने की जरूरत नहीं है। तो एक नॉर्मल पर्पस जो है इससे समझ में आता है। दूसरा, हमारा कुछ इंटेलिजेंस का भी इनपुट था, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जिसके हमारे पास है कि इनसे प्रेरित या इनके संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पे हमले उमले की बात कर रहे थे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि इनसे हम प्रेरित है और हम ये करेंगे। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हमारे पास है जिसमें भविष्य में इसको कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, जैसे जैसे बागेश्वर विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होने लगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस बीजेपी को मात देती है या फिर उसे एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा। खैर, ये तो वक्त ही तय करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश और देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।